वेलकम टू एवन स्टडीज़। तो दोस्तों, जिन लोगों ने जो लोग मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और एचटेट की कोई भी न्यूज़ और कोई भी एचटेट की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आओ हम चलते हैं अपने आज के वीडियो पे, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर सेक्शन का। ये वीडियो है कंप्यूटर पीजीटी वालों के लिए और आज का जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। तो अब मैं बताऊंगा कि एमएस वर्ड में जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं और उनको कैसे यूज क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके रिगार्डिंग। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। ये है सेक्शन 3। आओ इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो इसका भी आंसर मेल मर्ज है। आप चेक कर लेते हैं, सी मेल मर्ज। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डू। तो इसका आंसर है टाइप है बायोग्राफी। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर है डी। ठीक है, व्हाट इज गटर मार्जिन। मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन दैट इज एडेड द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड एंड टूल। तो इसका आंसर है टूल बार। अब चेक कर लेते हैं, यह है बी ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोमिंग इज नॉट एसेंशियल कॉम्पोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्जन ऑपरेशन। तो इसका आंसर है वर्ड फील्ड्स, ये डी ऑप्शन। आंसर चेक करते हैं, वेन द लैंग्वेज बार इज डैश इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट यूअर कंप्यूटर। तो इसका आंसर है हिडन। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस। इसका आंसर है मिसप्लेस्ड, सी। आंसर चेक करते हैं, इसका है सी। होम की यूजेस फॉर, तो इसका आंसर है मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मूव द कर्सर ऑन पैराग्राफ डाउन। तो इसका आंसर है ए। लेट्स चेक, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एंड की इज यूज टू, तो यही जो होती है मूव्स टू मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, कि लाइन के एंड में जो है कर्सर वो चला जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड टू, तो इसका आंसर है मूव द कर्सर वन पेज डाउन। कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज्ड टू द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन माउस मूव द कर्सर वन लाइन डाउन। तो इसका आंसर है बी वन लाइन डाउन। चेक कर लेते हैं, पेज अप की यूजेस फॉर, तो इसका आंसर है मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप। अब चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर है बी। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज्ड टू, तो इसका आंसर है मूव्स द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पेज डाउन की इज यूज्ड टू, तो इसका आंसर है थर्ड मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन।
ठीक है। बेसिकली ये ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट समटाइम क्या होता है कि जब हमें पेश क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, बट इनको ध्यान में रखना जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये है कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू, तो इसका आंसर है मूव द कर्सर वन पेज अप। कंट्रोल प्लस अप एरो इज यूज टू, इसका आंसर है यही है इसका भी, सॉरी डी, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू, तो इसका आंसर है ये स्टार्टिंग में चला जाता है, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, आंसर ए है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस एंड इज यूज टू, तो ये है ये लाइन के डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाता है। ठीक है तो दोस्तों, आई विश आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।